टोंक में गरजे पीएम मोदी, आतंक पर किया प्रहार, 19 का दोहराया विजय संकल्प, मोदी है तो मुमकिन है। जी हां, इसी मंत्र के साथ पीएम मोदी ने लोकसभा का चुनावी बिगुल फूंक दिया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सीट टोंक से मोदी ने ऐलाने जंग में बीजेपी सपोर्टर्स का सैलाब दिखा। पीएम ने इस दौरान पुलवामा शहीदों, कश्मीरी छात्रों पर अत्याचार का जिक्र तो किया ही, साथ ही आतंक पर करारा प्रहार भी किया। उन्होंने आतंकवाद का खात्मा करने के लिए राजस्थान की रणभूमि से देश की जनता को मोदी है तो मुमकिन है का मंत्र भी दिया। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की ये फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। आतंक की इस फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही। आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है हमारी लड़ाई। कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। राजस्थान में इन्हीं लोगों ने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, ऐसा कहा था ना। 10 दिन पूरे हो गए क्या? उनके तो कैलेंडर में 10 दिन पूरे होते ही नहीं है। हमने तो योजना बनाई है, उससे देश के औसतन 100 में से लगभग 90 किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। उनकी योजना से कितनों को लाभ? 20-25 को। हमारी योजना से कितनों को लाभ? 100 में से 90 को। मुझे मुट्ठी भर उन लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कुछ भी करो लेकिन मोदी को हटाओ। वहीं इस मौके पर राजस्थान के नेताओं ने केंद्र सरकार के विजन की सराहना की, साथ ही राज्य सरकार के किसानों से कर्ज माफी के किए गए वादों पर घेराव भी किया। मेरा का बच्चा पढ़ा रहा है तो मैं उसको बॉर्डर पे भेजूंगी, मैं उसको शिक्षा दिलाऊंगी, मैं उसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और मैं उसको सरारा भेजूंगी क्योंकि वो मेरे की किताब का बदला लेके वापस आएगा और वो मेरा ही जाएगा। उसके साथ 10 सीरीज और जवानों के देश का काम मैं करूंगी। एक जाना ने कहा कि किराया लोगों ने हल्ला किया, अगर सामने से मेरे बच्चे आते तो मेरा बच्चा 50 को लेने जाता। इस तरीके से कभी भी उस गड़ा नहीं हुई। मैं याद करता हूं पुलवामा में जिन्होंने देश के लिए शहीदी दी और मैं अब उनके नाम लेता हूं। उन नौजवानों के नाम में एक राजस्थान के लिए बहुत बड़ा संदेश है। मेरे अपने शाहपुरा जयपुर ग्रामीण से रोहिताश लांबा, इन्होंने अपनी शहीदी दी। धौलपुर से भागीरथ सिंह, भरतपुर से जीत राम, राजसमंद से नारायण लाल गुजर, कोटा से हेमराज मीणा, इन वीर सपूतों को अलग अलग माओं की कोख से जन्मा हो लेकिन जब देश की बात होती है तो एक ही माता होती है और वो है भारत माता। भारत के अभिमान का, स्वाभिमान का ये सारा चुनाव इसी मुद्दे पर घूम रहा है और इसलिए फिर मैं इतना ही कहूंगा कि अब देश की एक ही मांग है, पूरे देश में
कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही नारा लग रहा है, वो नारा है फिर एक बार। तकरीबन 39 मिनट के भाषण के दौरान पीएम मोदी ने ज्यादातर बातें आतंकवाद पर की। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई आतंक के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ नहीं। मोदी के इरादों से साफ है कि आने वाले दिनों में आतंक और उनको शरण देने वालों पर कड़ी चोट की जाएगी। टोंक से पुरुषोत्तम जोशी के साथ शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया।